हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वर्ल्ड ऑफ वुमेन्स। आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आप सबको मेकअप रिमूविंग टिप्स देने वाली हूँ। फ्रेंड्स, ये टिप्स बहुत ही यूजफुल टिप्स हैं। अगर आपको यूजफुल लगे, हेल्पफुल लगे, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें रेगुलर अपडेट्स के लिए, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके मुझे अपना रिस्पॉन्स ज़रूर बताएं। तो फ्रेंड्स, आज जिस टॉपिक पे मैं बात करने वाली हूँ वो इतना इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि जिस तरीके से हम अपने लिए अच्छे से अच्छे ब्रांडेड मेकअप प्रोडक्ट्स के लिए पैसा खर्च करते हैं, उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है कि हमें एक अच्छे से मेकअप रिमूवर का कलेक्शन अपने पास रखना। कलेक्शन ना भी हो बट परमानेंट अवेलेबल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि ख़त्म हो गया आप सिंपली फेस वॉश करने लगे। नहीं, आपको मेकअप रिमूवर अपने पास परमानेंट रखना ही रखना चाहिए क्योंकि वही हमारी स्किन को हाइड्रेटिंग बनाता है और बहुत ज़्यादा ही यंग बनाता है। अगर हम मेकअप रिमूव करने में लापरवाही करेंगे तो हमारी स्किन डैमेज होगी, हमारे को एक्ने की प्रॉब्लम होगी, पिंपल्स की प्रॉब्लम होगी, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होंगी जिनकी वजह से हमारे फेसेस पे ब्लैमिशेज और टैनिंग जो भी बहुत सारी चीज़ें हैं, मतलब नेगेटिव इफेक्ट देने लगेगी। तो फ्रेंड्स, एक तो जैसा कि मैंने आप सभी को CTM फॉलो करने के लिए बोला था, आपके पास क्लींजिंग मिल्क होगा ही होगा, तो आप सिंपल कॉटन बॉल पे क्लींजिंग मिल्क लगा के अपने फेस पे रब कर सकते हैं, उसे अच्छे से अप्लाई करके फिर आप इसे पानी से वॉश कर सकते हैं और अपना टोनर अप्लाई कर सकते हैं और मॉइस्चराइजर अप्लाई कर सकते हैं। देन फ्रेंड्स, आप कोकोनट ऑयल यूज़ कर सकते हैं। एक कॉटन बॉल में या कॉटन पैड पे आप कुछ बूंदे कोकोनट ऑयल की लेकर के अपने पूरे फेस पे, नेक एरिया पे, हर जगह पर जहाँ जहाँ पे आपने मेकअप लगाया है वहाँ पे आप अच्छे से इसको अप्लाई करें और रब करके अच्छे से आप इसको रिमूव कर सकते हैं। देन ये तो हुई सिंपल प्रोडक्ट्स जो आपके घर पे इजीली अवेलेबल होते ही होते हैं। बट अगर आप पर्टिकुलर किसी मेकअप रिमूवर के पास जाना चाहते हैं कि मेरे पास मेकअप रिमूवर ही होना चाहिए, तो बहुत सारे ब्रांड्स अवेलेबल हैं। गार्नियर मिसेलर हो गया, HR मेकअप रिमूवर हो गया, तमाम सारे हैं। आप किसी भी उसको फॉलो कर सकते हैं जो आपकी स्किन को सूट करे। बट मेरा फेवरेट प्रोडक्ट मेकअप रिमूवर का HR ही है क्योंकि HR का मेकअप रिमूवर में एक सबसे बड़ी क्वालिटी है कि आप इसे कॉटन बॉल में लगा के कुछ बूंदे इसकी अपने पूरे फेस पे अप्लाई जब करते हैं, तो आप उसको जब रब करके रिमूव करते हैं सारा मेकअप, उसके बाद भी ये आपके फेस पे मॉइस्चराइजेशन देके जाता है। कोई भी मेकअप रिमूवर तभी सबसे बेस्ट है जब आपकी स्किन पे अच्छा सा मॉइस्चराइजिंग छोड़ के जाए। मॉइस्चराइजेशन जब तक छूटेगा नहीं आपके फेस पे और आपका फेस अगर हार्श बन जाता है तो समझ लीजिए वो ठीक नहीं है। आपको हमेशा ऐसा ही मेकअप रिमूवर यूज़ करना, जिसके लिए मैंने आपको क्लींजिंग मिल्क भी बताया तो वो भी इसीलिए बताया, कोकोनट ऑयल भी आपका इसी के लिए ही है कि आप इसको लगाएंगे तो आपके फेस पे मॉइस्चराइजेशन बना रहेगा। और अगर आपके फेस पे मॉइस्चराइजेशन नहीं बना रहता है तो वो हार्श प्रोडक्ट है, उसे आपको अप्लाई नहीं करना चाहिए जनरली, क्योंकि मेकअप रिमूव करने के बाद हमें अपने फेस पे मॉइस्चराइजेशन देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और मेकअप रिमूवर हमारे फेस पे सिर्फ मेकअप रिमूव करे ना कि उसका मॉइस्चर ले जाए, तो इसलिए मैं इस मेकअप रिमूवर को ज़्यादा प्रेफर करती हूँ। आपको कोई सा भी मेकअप रिमूवर आप ले सकते हैं, बस आप उसकी क्वालिटी और टेंडेंसी को ध्यान रखते हुए ही लीजिएगा। और आज का वीडियो मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। फ्रेंड्स, मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना। थैंक यू।